अखिल भारतीय यादव महासभा के गठन के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह आयोजन को लेकर शिवपुरी जिला प्रांतीय यादव महासभा की ओर से स्थानीय कृष्ण वाटिका प्रांगण में अपराह्न 1 बजे से जिला कार्यकारी अध्यक्ष नरहरि प्रसाद यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यदुवंशियों ने भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन करने, देश स्तर पर जातिगत आधारित जनगणना कराने, 1 अक्टूबर को यदुवंशी महासभा सहित अन्य मांगों को लेकर बैठक की गई। इस अवसर पर यदुवंशियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नरहरि प्रसाद यादव ने कहा कि यादवों की स्थिति 100 वर्ष पूर्व जो थी उससे आज ऊपर नहीं उठ पाया है। वहीं समाज के लोगों को समाज में आ रही कुरीतियों को दूर कर समाज को सशक्त बनाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी शिक्षित और रोजगार उन्मुख बनाकर समाज और देश का हित कर सके। यादव समाज के महासचिव धीरज यादव ने कहा कि बच्चों को पढ़ाकर इस समाज को सशक्त किया जा सकता है। बच्चे पढ़ेंगे तभी समाज बढ़ेगा। बिना शिक्षा के समाज को सशक्त कर पाना असंभव प्रतीत होता है। समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और समाज में आ रही कुरीतियों को दूर भगाएं। यादव ने आगे कहा कि समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। समाज के लोग एकजुट होंगे तभी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति समानता के भाव जागृत होंगे और तभी जाकर समाज सशक्त बन पाएगा। पहोरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें क्या कुछ बैठक में निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ मांगे सरकार से आपकी? आज की बैठक अखिल भारतीय यादव महासभा जिला शिवपुरी ब्लॉक पहोरी के नेतृत्व में आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इस संस्था को निर्माण हुए 100 वर्ष बीत चुके हैं, शताब्दी समारोह इसका धूमधाम से मनाना चाहते हैं, इसलिए सबको इकट्ठा होकर इसका संकल्प दिलवा रहे हैं। साथ साथ हमारा मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे लिए अहिर रेजिमेंट की मांग भारत में चल रही है, उसमें हम जोर से आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए, क्योंकि अहिर रेजिमेंट हमें मिलेगा तो हमें एक अधिकार मिलेगा और हम सम्मान को लेना चाहते हैं, क्योंकि हम आज़ादी से लेकर और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर बराबर अहिर बलिदान देते रहे। 1962 में रेजांगला में 114 वीर अहिरों ने अपना शहीद हुए और अक्षरधाम में और संसद भवन पे हमला और योगेंद्र सिंह यादव जैसे परमवीर चक्र ने यादवों का सम्मान बढ़ाया। हमको अहिर रेजिमेंट गठन का अधिकार दिया जाना चाहिए।